कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाड़ौती दौरे को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक कोटा के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि नयापुरा के उम्मेद स्टेडियम में राहुल की ये सभा कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीणा के समर्थन में होने वाली है और जिसमें हाड़ौती से हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। सभा के बारे में जानकारी देते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जनता में राहुल गांधी से मिलने और उनके भाषण को सुनने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी की जो भाषा रही है अपनी मीटिंगों में, उससे एक बार साबित हो रही है कि वो बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास 25 लोकसभा की सीटें हैं। उनके एमपी फेल हो गए, उनकी स्मार्ट सिटी फेल हो गई, उनकी आदर्श ग्राम योजना फेल हो गई, 15 लाख किसी को मिले नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, बीमा योजना फेल हो गई, किसान को कुछ मिला नहीं, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार इतने महंगे हुए, गैस महंगी हो गई, महंगाई बढ़ गई। नोटबंदी और जीएसटी पे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। नोटबंदी बड़ा घोटाला थी, गरीब का पैसा निकल गया, काम करके चौपट हो गए, बिजनेस फेल हो गया। और मैं आज कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है, भीड़ नहीं होने के कारण वो मूल जरूर बोलते हैं क्या, उससे एक बात साबित हो गई कि राजस्थान की 25 सीटें आप करा चुके एक पलड़े में। कांग्रेस की सरकार के 3 महीने के काम को रख दो और वसुंधरा सरकार के 5 साल के काम को रख दो और मोदी जी के 5 साल के झूठ को रख दो, तो भी हमारे